नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पहले आधार कार्ड बनवाने या उसमें सुधार करने के लिए नज़दीकी आधार कार्ड सेंटर पर जाना पड़ता था, लेकिन अब आधार कार्ड बनवाने और उसमें सुधार करवाने के लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या है डाक विभाग का प्लान, आइए हम आपको बताते हैं। बिहार के लोगों के लिए आधार कार्ड बनवाना है या आधार कार्ड के गलतियों को सुधार करवाना अब और आसान हो जाएगा, इसके लिए डाक विभाग ने नया प्लान बनाया है। इससे प्रदेश के हर कोने में आधार कार्ड बनाना और उसमें सुधार करवाना की सुविधा मिलेगी। दरअसल डाक विभाग ने राज्य भर में हर ब्लॉक में आधार पॉइंट खोलने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार इसके लिए डाक विभाग ने बिहार में 500 आधार पॉइंट बढ़ा दिया है। पहले से 403 आधार कार्ड पॉइंट चल रहा था, वहीं कुछ दिनों में प्रदेश में 903 आधार कार्ड पॉइंट हो जाएंगे। डाक विभाग ने इस काम को पूरा करने के लिए 30 सितंबर तक का लक्ष्य रखा है। इसकी जानकारी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड बनवाना और आसान किया जा रहा है। आम लोगों को आधार संबंधी हर तरह की सुविधा मिले, इसके लिए आधार पॉइंट की संख्या बढ़ाई गई है। 500 और आधार पॉइंट खुलेंगे, इससे राज्य भर में अब 903 आधार पॉइंट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आए दिन इसकी मांग होती थी, इसको देखते हुए आधार पॉइंट बढ़ाया गया है। वहीं डाक विभाग द्वारा मोबाइल किट की संख्या भी बढ़ाई गई है। अभी तक 32 मोबाइल किट काम कर रहा था, लेकिन अब 40 मोबाइल किट बढ़ाया गया है, जिससे मोबाइल किट की संख्या अब राज्य भर में 72 हो जाएगी। मोबाइल किट की संख्या बढ़ाने से कैंप लगाना आसान हो जाएगा। अनिल कुमार ने बताया कि जहां से भी कैंप लगाने के लिए आवेदन आएंगे, वहां पर कैंप लगाया जा सकेगा। ऐसे में मोबाइल किट की संख्या बढ़ने से कैंप लगाने में आसानी होगी, एक बार में कई जगहों पर मोबाइल किट भेजा जा सकेगा। तो आपने सुना कि अब आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको ज़्यादा दूर नहीं जाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप जिस इलाके में रह रहे हों उसके नज़दीक ही आधार कार्ड का सेंटर बन जाए, जिससे आपको आधार कार्ड बनवाने या उसमें सुधार करने में सहूलियत होगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।